हेलो गाइस, नमस्ते। पहला कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, मैं आज जा रही हूँ तैयार होके मेले में। तो स्टार्ट कर रही हूँ घर से जाने से। तो आज मैं मेले में जा रही हूँ जहाँ कल गई थी मैं। तो आज पूजा वूजा होती है, छोटा सा एक मेला भी होता है वहाँ, सातरी आचरी लगती है। तो तैयार तैयार होके जा रहे हैं हम सब लोग, साथ में जा रहे हैं घर पे बूबू ही बूबू और सब जा रहे हैं हम। तो कैसा होता है देखते हैं वहाँ का भी मेला आज दिन का। रात का तो देख लिया, रात का तो बहुत प्यारा वहाँ, मतलब बहुत अच्छा लगा। और सुबह सुबह 6 बजे घर पहुँचे। 6 बजे घर पहुँचने के बाद हम सोए, सोने के बाद 10 बजे तो खड़े उठे हम, 10 बजे खड़े उठे। उसके बाद 10 बजे खड़े उठने के बाद बूबू के लिए खाना आना बनाया। खाना आना बनाने के बाद फिर हम तैयार हुए। फिर तैयार होने के बाद हम जा रहे हैं मेले में। तो आप मिलते हैं, आपको रास्ते पे कोई मिल गया तो उनके साथ मिलेंगे, नहीं तो डायरेक्टली वहीं मेले में ही मिलते हैं आप लोगों से। आप लोग वीडियो के साथ बने रहे। गाइस, हम पहुंच गए हैं फाइनली। साड़ी बढ़ाने और कला का तो है क्या कैमरा ठमकी सो भैया पूरे गाँव के कोई कोई होंगे, किसी के मेहमान होंगे, नहीं तो कोई नहीं होगा। फिर मिलते हैं आपसे। मंदिर में पहुंचते ही आप बोल रहे हैं कि खाना आना खा रहे हैं, तो खाना आना खाते क्योंकि आज घर लगने वाला है। तो जब लग जाता है ना उसके बाद नहीं खाते, तो उससे पहले हम खाना खा रहे हैं, फिर मिलते हैं आपसे। खाएंगे नमस्ते सर, बहुत ठीक हूँ। ये को मिला सबसे खाना आना खा रहे हैं। ये मामा है, मामा भराड़ी वाले मामा, वो ठीक है। ये हमारे मोहन लाला है, इतने फेमस है। इनकी बरमड़ा इतनी प्यारी लगती है ना, जितनी ये भैंस का दूध नहीं लगता है। ये है, ये हमारी दीदी है, ये हमारे पदम चाचा है हमारे। ये पदम चाचा ये ठेकेदार ही बोलते हैं इनको, लेकिन ठगदार भी है साथ साथ में। तो मामा जी ने आपको सारी बातें बता दी है और आगे की वीडियो और दिखाएंगे। आप समझदार हो, दिखा दे। खाना आना खा लिया है। ये है मामा जी, सारे मामा है क्या? सारे मामा जी है। और मामा क्या करना चाहते हो? आप कैसे हो? बस कैसा लगा? अब अच्छा हाड़ी नहीं रही है। क्यों? ये मामा है लाला जी, लाला जी सोए हैं, लाला जी इधर, लाला जी सोए हैं, लाला जी सोए हैं। लाला जाने वाला है थोड़ी दिन से, फटने वाला है विश्वा। हाँ क्यों नहीं, साथरी कब लगा रहे हो फिर? चंडीगढ़ से? डीआईडो चंडीगढ़ डीआईडो के ड्राइवर साहब, खन्ना साहब के। अच्छा अच्छा, ये हमारे भूपिंदर वहाँ के आपकी जीजा जी। जीजा जी रिश्ते में लगते हैं। अच्छा, और गुप्पी जी कब आए? अभी सुबह। ये तारा मामा, ये मामा जी रे। अरे ये मामू तो मामू तो दादा। ये मासा, हाँ मासा। सर कुछ कहना चाहते हो?
ये देखो सब साथ से लगाने के लिए बैठे हैं। ये हमारा तो मेडिकल है। ये देख लो नीचे वाले फील्ड में खाना आना खिला रहे थे, वहाँ चाची चाची लगती है और इस फील्ड में धामी लोग रहते हैं। पापदा लोग आए। ये इस वाले फील्ड में चाचरी भी लगती है और खाना भी इसी फील्ड में खिलाते हैं और यहाँ पे मजा आता है। कुछ कहना चाहते हो? हेलो गाइस, हाउ आर यू, कैसे हो, अच्छे हो? हमारे तरफ से नमस्कार। हमारे तरफ हमारे मंदिर में पूजा है और हम यही कहना चाहेंगे, सब खुश रहो, आवाज रहो। थैंक यू। पर जो कुछ कहना चाहते हैं बोलिए। कैसा लगा मेला? कैसा लगा मेला और क्या क्या ठंड तो हुई रात को, मेला तो ठीक ही रहा। अच्छा, और आपको मिलके भी ठीक लगा? मैं तो पहली बार इस मेले में आ रही हूँ, इस मंदिर पर। आज इनकी सेवा की थी इन्होंने पूरा। हाँ, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी उस दिन। हाँ। आप ही थे ना? हाँ। इन्होंने मेरे को मेरी बहुत हेल्प की थी घर तक पहुँचाने में। तो और कुछ कहना चाहते हो गया? हाँ। कैसे हो आप? ठीक हो? बढ़िया हूँ। अच्छा, कैसा लगा मेला? मेला, इन लोग मेले में आए हैं और मेले का ब्लॉग बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इनके ब्लॉग को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। थैंक यू। ओके, थैंक यू मामी। तो गाइस, आप हम लगा रहे चाचरी, अब चाचरी रोज की है। हम भी जाएंगे आप चाचरी लगाने से, हमने ऐसे तो होता नहीं है पर मैं कोशिश करूँ। चाचरी हम लगाते हैं एक बार चाचरी, फिर आप लोगों को कोशिश करते हैं कि हमसे चाचरी लगती नहीं लगती, लेकिन हमको तो भगा देते हैं चाचरी लगाने के लिए। बहुत बड़ी साक्षी लगी है, अभी छोटी गाना साथ साक्षी इनको भी साक्षी गाने में आए नहीं मेले में, कहाँ से लगा था चाचरी? क्यों आ सकते ही नहीं के मेले में गया, लेकिन लगाए नहीं। जब क्या आपका गांव इतना रुचि क्यों नहीं थी? आपका गांव इतना मतलब चाचरी पे आ गया है, आपको रुचि होनी चाहिए। मैं भूल जाता हूँ। ये हमारे फौजी साहब। तो गाइस, आप अपने घर जाने की तैयारी कब करेंगे? अभी जाएंगे, अभी आधा एक घंटे तक। और आज का मेला भी खत्म हो गया है। हम भी खत्म हो गए। तो घर में ही रहना आ रहा है, सुबह तक बोल दो क्या? अरे तो गाइस, हम मंदिर से घर जा रहे हैं। आज तो मेले में जा रहे थे, मुंह धोके ना धोके आ रहे थे। कल तो मुंह भी नहीं धोंगे, कल से तो मुंह भी नहीं धोंगे ये लोग। जलेबी खिला रहे हो क्या? कोई जलेबी खिला रहा है? नहीं, ब्लॉग में बोल रहे हैं खिलाएंगे नहीं। माँ साहब कुछ नहीं चाहते, हम लाहौर मेल से आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहा हूँ माँ साहब? आज मेले में नहीं आए। मेले से आ रहा हूँ मैं, बहुत बढ़िया मेला था, मैंने वहाँ बड़ा एंजॉय किया। चाचरी देखी, यहाँ का वेशभूषा परिधान और नृत्य बिल्कुल डिसेंट पर बार। मैं हर बार आता हूँ, हंस आता हूँ। अच्छा। बड़ा अच्छा लगता है मुझे। चार साल यहाँ पे भी वेरी खुशी है, बहुत बढ़िया, बहुत खुश है। और मैं सोचता हूँ कि जो भी मेला यहाँ होता है मैं उसमें सब में जाऊँ, जाता भी सब में हूँ और बड़ा अच्छा आता, अच्छा लगता है, मजा आता है। उत्तराखंड जाओ। आपको चार साल में सबसे अच्छा क्या लगा? चार साल में सबसे अच्छा क्या लगा यहाँ पे? आठ साल में यहाँ के लोग, यहाँ का वातावरण, यहाँ की यहाँ कल्चर और सबसे बुरा क्या लगा आपको यहाँ पे? बुरा तो मैं कुछ नहीं लगा, सब अच्छा है, ठीक है।
ऐसे ब्लॉगिंग लाएंगे। तो गाइस हम जा रहे हैं घर को, अब पहुंचे आधे रास्ते, अब तो इनका घर भी पास आ गया है। क्यों देवर जी चाय पी के जाओ सब लोग, आज इनके वहाँ चाय पी के जाते हैं। दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। आप कभी जाएंगे आप कभी जाएंगे आगे से रील से बना नहीं, परी से मिलने जाएंगे भी। परी से मिलने जाएंगे, परी बेटी से मिलने, हमारे प्यारे सी बेटी। हाँ इकलौती। तो गाइस फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ। देखो ये कुत्ता भी आ गया है एकदम खुश होते ही। तो आज बूबू अकेले घर पे ही थे, देखते हैं क्या कर रहे हैं। अकेले ही है बूबू, बैठे हैं यहाँ पे। बूबू चाहती है नदी रखा है। ए बू यकले घर की क्या करो, यकले घर छा की क्या करो आज सब चीज है सब गोर है गने सब भी सब हाँ कंप्लीट हाँ। अरे पे चाप ये हो, चाप ये हो न पी रहा है। अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, ये है बूबू की बकरी। जहाँ बूबू जा रहे होंगे वही जा रहा होगा ये अभी। ये कुत्ते ने कर रहा है, इसने कर रहा है। रुक जा तू यहाँ, शॉट खून था नहीं। कैसा हुआ मेला? अच्छा हुआ, कितने मजे आए? मजे आए थोड़े बहुत, क्या करते ऐसे टाइम पास, जाना हुआ क्या करे मंदिर में। अच्छा नहीं लगा। ए मौसी तो जो मेले में नहीं जाएगा ना वो 500 रुपए जुर्माना था, इसलिए सब चले गए पूरे परिवार, कुत्ते से लेकर बिल्ली तक सब चले गए मंदिर में पूरी खाने के लिए। अच्छा तो तब चलो दोस्तों कल मिलते हैं। तो गाइस फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। घर पहुंचने के बाद अब कपड़े चेंज करते हैं और मैंने वीडियो बना रखी है मेले वाली। क्या देख रहे हो पीछे से? मेले वाली वीडियो बना रखी है। तो मेले वाली वीडियो मैं दो भागों में बांटूंगी, फिर उसको मैं एक पार्ट आज डालूंगी एक पार्ट कल डालूंगी। तो गाइज आप कल मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को भी मेला कैसा लगा, और क्या कहते हैं शेयर करना ना भूले। तो गाइज अगले ब्लॉग